हेलो फ्रेंड्स, आज का मास्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 24 इंच बाय 24 इंच का एक कॉटन पीस कपड़ा लिया है। ये पूरा 24 इंच है और यहाँ भी ये पूरा 24 इंच है। अब क्या करना है कि एक कॉर्नर को पकड़ेंगे और उसके अपोजिट वाला दूसरा कॉर्नर पकड़ेंगे और इसको इस तरह से ट्रायंगुलर शेप दे देंगे। बराबर से मिलाते हुए ये ट्रायंगुलर शेप में आ गया पीस, और जहाँ से फोल्ड किया है अब यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। लीजिए, इसको हमने दो पीस में ट्रायंगुलर शेप में कट कर लिया। अब कोई एक पीस लेंगे, सीधा फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये हमने फोल्ड कर दिया, यहाँ से हमने कट किया था, ये हमारा 24 इंच है। तो अब इसको कट करने के बाद यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे, यहाँ से जहाँ से फोल्ड किया है वहाँ से हम 5 इंच डाउन जाएंगे। 5 इंच डाउन जाने के बाद 4 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और सेम मार्क बैक साइड में भी लगाना है। 5 इंच डाउन और 4 इंच पर मार्क, ये हमने मार्क लगा लिया। अब मार्क लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पर बराबर से मार्क आया है, ये पूरा 8 इंच का हमें एरिया मिल गया है। मैं डार्क कर देती हूँ, ये देखिए ये पूरा 8 इंच का है। और यहाँ पर जब ये निशान आ गया तो हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर निशान लगा लेंगे। बीच में हमें यहाँ पर 1 इंच का एरिया चाहिए। लाइन से हाफ इंच इधर निशान लगाना है, और इस निशान को लगा के छोड़ देंगे। अब चारों तरफ हम इसमें पहले मशीन चला देंगे। तो ये बस सिंपल इस तरह से मोड़ना है, इस तरह से, और फोल्ड करके तीनों तरफ सिलाई कर देनी है। अब इसके तीनों किनारे सिल गए हैं बराबर से। अब ये जो निशान लगाया था इस पर, इधर निशान लगाया था यहाँ पर, ये मैंने 3x10 इंच की पट्टी ली है। इसको हाफ करेंगे और इसको मिलाते हुए यहाँ रखेंगे। हाफ एंड हाफ पर 1 इंच इधर निकलेगी, 1 इंच इधर निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर 8 इंच है और ये 10 इंच है। अब इसको, ये हमारी बराबर से पट्टी आ गई, इसको बराबर से रखते हुए जो 1 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगाया था उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको भी पूरा सीधा खींच लेंगे। अब ये जो 1 इंच हमने यहाँ पर लिया, तो ये 1 इंच का पूरा 1x8 इंच का एक एरिया हम पूरा रेक्टेंगुलर शेप में बना लेंगे और उस पर मशीन चलाएंगे। जो बीच वाली लाइन थी जो नीचे से ड्रॉ की है, नीचे जो लाइन थी उस पर मशीन नहीं चलेगी, ये 1 इंच के एरिए पर चारों तरफ चलेगी। तो इसको सिल देते हैं। इसको सिलने के बाद अब इसको फोल्ड करेंगे और जो बीच की लाइन पहले खींची थी चौक से उस पर एक कट मार्क निकालेंगे। तो ऊपर से पहले मिला लेंगे तब कट मार्क करेंगे। टेढ़ा नहीं कटना चाहिए, यहाँ से बराबर आना चाहिए, यहाँ से बराबर आना चाहिए। तो ये सेंटर अपने आप मिल जाएगा। कट लगाएंगे,
खोलेंगे। अब इसको सीधा कट करते हुए ले जाएंगे और यहाँ से कॉर्नर बनाएंगे इस तरह से। ये आप लोगों को मैं कई बार जिप लगाने में बता चुकी हूँ, और कॉर्नर बनाने से इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए साइड की। अब ये जितनी पाइपिंग है इसको हम बाहर निकालेंगे इस तरफ से, पूरी बाहर निकालेंगे और खूब अच्छे से पलटते हुए बराबर जहाँ से सिलाई है सिलाई पूरी हमारी साइड में आ जानी चाहिए इस तरह से पलटने पर, और खूब सफाई के साथ इसको अब हम पाइपिंग का लुक देते हुए सिल देंगे। तो पहले क्या करेंगे कि इसको निकालेंगे और इसमें एक ताप मशीन चलाएंगे। ये हमने दाब मशीन चला दी। अब इसी के साथ ही यहाँ पर हम इसको पाइपिंग का लुक देते हुए अंदर मोड़ते हुए फिनिशिंग देते हुए चारों तरफ सिल देंगे। और ये कंप्लीट हो गया। इसमें बस इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये हमारा फ्रंट आ गया, यहाँ पर हमारी आईज आ जाएंगी, यहाँ पर ये हमारा माथा आ जाएगा। तो मैं इसको पहन के दिखाती हूँ। और इसको पीछे एकदम सीधे बांध लेना है इस तरह से, और अपनी सुविधा के अनुसार इसको ढीला या टाइट बंद। और ये इस तरह से तैयार हो गया, एकदम इजी है। और ये जो है मेरे घर में काफ़ी सारे भाई बंधु हैं, उन्होंने कहा कि ये तो नाइंसाफ़ी है, आपने महिलाओं के लिए खूब बताया, हम लोग के लिए भी बताइए। तो मैंने उन लोगों के लिए ये स्टाइल निकाला है, क्योंकि वो लोग कैप तो पहनते हैं तो, लेकिन लड़कियों की तरह पूरा एकदम ढक नहीं सकते, हेलमेट पहनते हैं कैप पहनते हैं, तो उनके लिए ये सही है। जो घर में लड़के हैं आदमी हैं उनके लिए बना के दिया जा सकता है, आप लोग अपने लिए भी बना सकते हैं। और एक पीस बनाने के साथ आप दो पीस बना सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ से हमने कट किया था तो दो पीस हमको मिल गए थे, ये तो एक पीस और बन जाएगा, इसके साथ ही दो पीस तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद है सरल और सूटेबल और आसान मास्क पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।